बात कर लेते हैं H5N1 यानी बर्ड फ्लू की, क्योंकि कोरोना गया नहीं, एक और नई मुसीबत बर्ड फ्लू के रूप में सामने आ चुकी है। कुदरत की यह खूबसूरत देन मौत का सामान बन सकती है। कोरोना वायरस गया भी नहीं था, वायरस लेकर भारत आई है सैकड़ों। देश के चार राज्यों में फैला बर्ड फ्लू। प्रिवेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और जहां पर भी ये फैल रहा है ऐसे लोगों को कांटेक्ट में आना, दूसरे लोगों से आना, ये बहुत जरूरी है इन चीजों का वो लोग ध्यान रखें, तो डेफिनेटली एक खतरा है। इन पक्षियों की मौत आपके लिए बड़ा खतरा है, इनकी मौत आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। इंसानों के लिए खतरनाक जैसे कोरोना हो सकता है, चमगादड़ से ह्यूमन में आ सकता है, या क्या कहें लैब से ह्यूमन में आ सकता है, तो उतना ही खतरा बर्ड फ्लू से ह्यूमन का है। और एक चीज़ बता दूं, WHO ने वार्निंग दी हुई है, ग्लोबल वार्निंग है, कि जो नेक्स्ट महामारी आएगी वो बर्ड फ्लू हो सकती है और बर्ड से ह्यूमन में आएगी। जिन पक्षियों के लिए पूरे विश्व का आसमान खुला है, वो अपने पंखों पर एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस लेकर हर जगह मौजूद है। आपके पालतू पक्षियों के साथ साथ आपके घरों की बालकनी में बने घोंसलों तक मौजूद हो सकता है बर्ड फ्लू वायरस। अगर आप मुर्गी पालने वाले किसान हैं तो आप खतरे में, अगर आप पक्षियों के संपर्क में रहते हैं तो आप खतरे में, अगर आप अधपका मांसाहार करते हैं तो आप खतरे में। चिड़ियों की चहचहाहट के चक्कर में खतरा मोल मत लीजिए, क्योंकि यह खतरा आपको बड़े खतरे की ओर भी ले जा सकता है। तो जब भी फ्लू होता है हमारे लंग्स के अंदर सिग्निफिकेंटली कमजोरी आ जाती है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी फ्लू से सफर कर रहा है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि उसकी इम्यून सिस्टम को कम होने के कारण वो दूसरा फ्लू भी कैच कर सकता है, तो इसलिए एक दूसरे को वो पोटेंशिएट कर सकते हैं, इसलिए सावधानी बहुत आवश्यक है। अगर आप ये समझते हैं कि आप वेजिटेरियन हैं और बर्ड फ्लू से बच जाएंगे, तो ये गलत फहमी भी दूर कर लीजिए। ये कहा जाता है एक अलग कैटेगरी डिजीज़ हमने डिफाइन की, जूनेटिक डिजीज़ होती है, जिसमें जब पक्षियों से ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, या इंटर स्पीसीज ट्रांसमिशन यूजुअली नहीं होता है, पर जब होता है तो वो बीमारी कॉज करता है या पैंडेमिक कॉज करता है। बर्ड फ्लू का खतरा बड़ा है, लेकिन आज एक्सपर्ट आपको बताएंगे कि कोरोना के बाद अब इस बर्ड फ्लू वायरस से कैसे बचना है, कैसे लड़ना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। H5N1 यानी बर्ड फ्लू साल 2006 से ही मुसीबत बना हुआ है, हर साल सर्दियों के आसपास फैलता है। इस बार अभी तक चार राज्यों में बर्ड फ्लू की वजह से अलर्ट जारी किया जा चुका है, लेकिन क्या है इस वायरस में और क्यों यह इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक है, यह हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। हर साल सर्दियों में प्रवासी पक्षी भारत आते हैं, और इन्हीं में से कुछ में होता है H5N1 वायरस, और ये वायरस भारत के लिए पिछले काफी समय से मुसीबत बना हुआ है। देखा जाए तो बर्ड फ्लू भी लक्षणों के मामले में सामान्य फ्लू की तरह होता है। लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पक्षियों का फ्लू है, लेकिन ये वायरस पक्षियों के अलावा इंसानों को भी अपना शिकार बनाता है। H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा के शिकार इंसान पर मौत का खतरा भी होता है। बर्ड फ्लू इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा है, और इंसानों को इससे सावधान रहने की जरूरत है, लेकिन बर्ड फ्लू से डरना नहीं है। WHO के मुताबिक यह 17 से ज्यादा देशों में फैला हुआ है, लेकिन 2003 से अगर आंकड़े देखें तो सिर्फ 455 मौत हुई है बर्ड फ्लू से, और ये वो लोग थे जिनको समय पर इलाज नहीं मिल पाया था। आपके दिमाग में बर्ड फ्लू को लेकर कुछ सवाल, जैसे बर्ड फ्लू के लक्षण क्या होते हैं, बर्ड फ्लू से कैसे बचा जाए, या बर्ड फ्लू होने पर क्या किया जाए, तो इन सवालों के जवाब हम आपको बारी बारी देंगे।
सबसे पहले आपको बताते हैं कि बर्ड फ्लू के लक्षण क्या है। किसी व्यक्ति को बर्ड फ्लू हो जाए तो उसको सांस लेने में दिक्कत आती है, गले में कफ हमेशा बना रहता है, सिर में दर्द, गले में सूजन रहती है, मांसपेशियों में दर्द रहता है, मितली आती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बर्ड फ्लू के लक्षण दिखने के 2 से 3 दिन के अंदर डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो ये वायरस घातक साबित होता है। फीवर हो रहा है, फीवर हाई ग्रेड का फीवर हो रहा है, और अगर उसको पेट दर्द हो रहा है, उसको चेस्ट पेन हो रहा है, उसको डायरिया हो रहा है, ये सारे सिम्टम एवियन फ्लू के हैं जो ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है, और कभी कभी नेजल ब्लीड या ओरल ब्लीड भी देखे गया है। इंसानों में बर्ड फ्लू वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए पहुंचता है। इस वजह से इसका बचाव यही है कि आप संक्रमित पक्षियों, खासकर मरे हुए पक्षियों से दूर रहें, संक्रमण वाले क्षेत्रों में कतई न जाएं। सबसे अच्छी बात यह है कि कोरोना ने हमें इतना सिखा दिया है, जो प्रिकॉशन कोरोना के हैं वो सारे प्रिकॉशन किसी भी तरह के इन्फ्लुएंजा को प्रिवेंट करने के लिए सफिशियंट है। तो जो एवियन फ्लू या एवियन इन्फ्लुएंजा है या बर्ड फ्लू जो है, वो उन सारे प्रिकॉशन जो कोरोना के लिए ले रहे हैं उनसे बचा जा सके।